समाचार पर वित्त मंत्री अरुण जेटली 5 दिनों के लिए चीन की आधिकारिक यात्रा पर रवाना हो चुके हैं। 25-26 जून को वित्त मंत्री एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक की पहली बैठक में शिरकत करेंगे। वो चीन के निवेशकों को भारत में निवेश के लिए आने की अपील भी कर सकते हैं। पेश है एक रिपोर्ट। वित्त मंत्री अरुण जेटली की चीन यात्रा का अहम पड़ाव होगा एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक की पहली बैठक, जहां वे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक में हिस्सा लेंगे। भारत के बुनियादी ढांचे में निवेश के लिए वे अलग से निवेशकों की बैठक को भी संबोधित करेंगे। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक चीन की पहल पर 25 दिसंबर 2015 को नए बैंक के रूप में आया। ये एशिया में बुनियादी ढांचे में निवेश करने के उद्देश्य से बनाया गया है। बैंक की शुरुआती पूंजी $100 अरब है, जो सदस्य देशों से ली गई है। ये विश्व बैंक की आधी और ADB की 2/3 पूंजी के बराबर का बैंक है। बैंक के 37 क्षेत्रीय और 20 गैर क्षेत्रीय सदस्य हैं, जिसका बैंक को समर्थन प्राप्त है। बता दें कि G20 के देश अमेरिका, जापान और कनाडा इसका हिस्सा नहीं हैं। इस बैंक को IMF, विश्व बैंक और ADB का प्रतिस्पर्धी बैंक माना जा रहा है। बैंक में 30.34% हिस्सेदारी चीन की, 8.52% हिस्सेदारी भारत की और 6.66% रूस की है। वित्त मंत्री 8वें भारत चीन वित्तीय डायलॉग में शिरकत करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़।